तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शंख यानी कि कोंच के बारे में। तो बेसिकली शंख घोंघा के एक सुरक्षा कवच होता है घोंघा का, जिसके आप उसे घोंघा का घर भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर वो रहता है, खुद को महफूज करके रखता है जिसके अंदर। तो जो शंख होता है वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शंख का हमारे धर्म में बड़ा महत्व है। शंख मुख्य रूप से एक पौराणिक रूप से शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है, और कहीं कहीं पे इसको लक्ष्मी जी का भाई भी बोला जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि शंख बजाने के, शंख फूंकने के क्या आप अपनी सेहत में बदलाव ला सकते हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं शंख फूंकने के। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे हम बताएंगे कि शंख फूंकने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, नंबर एक पे रोज़ाना शंख बजाने से गुर्दाशय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। शंख बजाना मूत्र मार्ग, मूत्राशय, निचले पेट, डायाफ्राम, छाती और गर्दन की मांसपेशियों के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। शंख बजाने से इन अंगों का एक किस्म का व्यायाम होता है। नंबर दो, शंख बजाने से सांस लेने की क्षमता में सुधार होता है। इससे आपकी थायराइड ग्रंथियां, स्वरयंत्र का व्यायाम होता है। बोलने के संबंधित किसी भी प्रकार का आपको रोग हो वो ठीक हो जाता है। शंख बजाने से आपकी झुर्रियों की परेशानी भी कम होती है। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि शंख फूंकने से उसकी ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक के अनेक बीमारियों के कीटाणु जो है वो मूर्छित हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। यदि रोज़ शंख बजाया जाए तो वातावरण कीटाणु से मुक्त हो सकता है। और आगे बात करेंगे, शंख में कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। ये तत्व हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इसलिए शंख में रखे पानी का सेवन करें, इससे दांतों को भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। और आगे बात करेंगे, शंख बजाने से आप दिल के दौरे से भी बच सकते हैं। नियमित रूप से शंख बजाने वाले को कभी हार्ट अटैक नहीं आता। शंख बजाने से सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। इसी तरह बार बार सांस भरकर छोड़ने से फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। शंख बजाने से योग की तीन क्रियाएं एक साथ होती हैं, कुंभक, रेचक और प्राणायाम। और दोस्तों, आगे बात करेंगे, शंख में 100% कैल्शियम होता है। रात को शंख में पानी भरकर रखें और सुबह उसे अपनी त्वचा पर मालिश करें, इससे त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाएंगे। शंख बजाने से तनाव भी दूर होता है। जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं उनको शंख जरूर बजाना चाहिए, क्योंकि शंख बजाते समय दिमाग के सारे विकार चले जाते हैं। शंख बजाने से मन के अंदर आने वाली नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर रहती हैं। जिन घरों में शंख बजाया जाता है कभी नकारात्मकता नहीं आती। शंख बजाने से आप दिल के दौरे से भी बच सकते हैं। नियमित रूप से शंख बजाने वाले को कभी हार्ट अटैक नहीं आता। शंख बजाने से सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। इसी तो दोस्तों, अगले फ़ायदे की बात करते हैं। शंख के औषधीय प्रयोग भी बहुत कारगर हैं। गूंगे व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन 2 या 3 घंटे तक शंख बजवाएँ। एक बड़े शंख में 24 घंटे तक रखा हुआ पानी उसे प्रतिदिन पिलाएं। छोटे शंखों की माला बनाकर उसके गले में पहनाएं तथा 50 से 250 मिलीग्राम शंख भस्म सुबह शाम शहद के साथ चटाएं। इससे गूंगापन दूर होता है। 1 से 2 ग्राम आंवले के चूर्ण में 50 से 250 मिलीग्राम शंख भस्म मिलाकर सुबह शाम गाय के घी के साथ देने से तोतलापन भी ठीक होता है। तो दोस्तों, ये थे शंख के बारे में कुछ जानकारी और उसके फ़ायदे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।